दोस्तों आप सभी को पता होगा कि YouTube ने जो है आज से कुछ दिन पहले ही अपडेट लाया था YouTube Shorts को लेकर के, यानी YouTube Shorts का जो अपडेट था आपको जो है 10 मिलियन व्यूज़ जो है वो 90 डेज के अंदर में पूरा करना है और तब जाके जो है आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। और फिर बाद में जो है फिर उसका जो है कब से वो चालू होगा वो भी डेट जो है रिवील कर दिया है, यानी नेक्स्ट ईयर फरवरी से जो है ये जो है चालू हो जाएगा। आप अपने शॉर्ट्स डाल करके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह दोस्तों और भी प्लेटफॉर्म जो है, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गए, अब इंस्टाग्राम में भी कुछ दिन पहले एक अपडेट आएगा, आप लोगों को पता होगा कि रील्स बोनस को लेकर के, रील्स आप डाल करके वहाँ से भी आप कुछ अर्न कर सकते हैं। तो ये बोनस जो है अब काफ़ी कम लोगों को मिला है इंस्टाग्राम की तरफ से, तो धीरे धीरे शायद ये सबको मिल जाएगा और कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा अगर आप रेगुलर या कंटिन्यू आप जो है रील्स डालते रहेंगे, यानी हम अलग प्लेटफॉर्म से भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए बिग अपॉर्चुनिटी है। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है और किससे आप जो है पैसे कमा सकते हैं, हम भी पैसे कमा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी हर एक प्लेटफॉर्म में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, यानी शॉर्ट्स वीडियो को लेकर के। जैसे पहले टिकटॉक में जो है वीडियो जो है काफ़ी शॉर्ट वीडियो डाल रहे थे और काफ़ी फेमस एप्लीकेशन था टिकटॉक, जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ इंडिया में तो तब से जो है इंस्टाग्राम रील्स जो है धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगे और लोग जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे। तो रील्स का जो बोनस का ऑप्शन तो वो काफ़ी लोगों को मिल गया है और काफ़ी लोगों को मिल रहा है। और ठीक उसी प्रकार दोस्तों फेसबुक ने भी शॉर्ट्स वीडियो को जो है प्रमोट कर रहे हैं, यानी आपको शॉर्ट अगर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो शॉर्ट वीडियो का जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। फेसबुक ने भी ये अपडेट जो है लाया है और ये अपडेट ये है कि आप जो है शॉर्ट वीडियो डाल करके स्टार्स में पैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टार्ट में पैसे जो है रेवेन्यू जो आएगा उससे आप पैसे कमा सकते हैं। अब ये स्टार्स है क्या चीज़, तो स्टार्स आपको बता दें कि YouTube में जैसे कि सुपर थैंक्स होता है, मान लीजिए आप अगर वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो अगर YouTube में छोड़ते हैं या आप लाइव सेशन में आते हैं तो वो जो सुपर थैंक्स होता है वही सुपर थैंक्स को ही स्टार्स कहते हैं फेसबुक में। अब फेसबुक में जो है स्टार्स कैसे आता है, जैसे मान लीजिए आप भी वीडियो डालते हैं, चाहे शॉर्ट वीडियो डालिए या फिर आप लॉन्ग वीडियो डालिए, वो जो है नीचे में आपको जो है एक स्टार्स का जो बटन दिखेगा, यानी आप जैसे ही उसमें क्लिक कीजिएगा तो उसमें पेमेंट आएगा, आप उसे पे कर सकते हैं। और अगर आपका अगर किसी क्रिएटर का वीडियो जो है आपको अच्छा लगता है तो उसे आप स्टार्स दे सकते हैं। स्टार्स देने से क्या हो जाएगा कि उनको जो कुछ अर्निंग होगा। तो ये अपडेट जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी और फाइनली मेरा भी जो है पेज जो है वो जो है स्टार्स में जो है चेंज हो गया है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है और क्या पूरा करने से जो है ये आपका जो है फेसबुक जो है प्रोफाइल जो है वो पेज में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से जो है आप जो है शॉर्ट्स वीडियो डाल करके स्टार्स कमा सकते हैं। देखिए हम लोग जो है फेसबुक यूज़ करते हैं तो क्या है कि फ़ोटो डालते हैं या वीडियो डालते हैं तो उस हमें ये नहीं पता रहता है कि मतलब कैसे अर्न किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम फेसबुक से भी कैसे कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। पहले जो है फेसबुक में जो है पेज से पैसे कमा सकते थे, यानी आपका पेज जो है मोनेटाइज है, आपका 10,000 फॉलोवर्स जो है आपके पेज पे जो कंप्लीट है और वो जो कुछ मिनट रहते हैं 258 कुछ मिनट रहते हैं वो अगर आपका कंप्लीट है तो आपका जो है पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाता है और उससे जो है आप एड से आप पैसे कमा सकते हैं और व्यूज़ पे से भी पैसे कमा सकते हैं। अब आप जो है फेसबुक प्रोफाइल से भी पैसे कमा सकते हैं, तो ये मतलब नया अपडेट है और काफ़ी अच्छा अपडेट है फेसबुक की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और सारा प्रोसेस जो है मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको जो है अपने प्रोफाइल को जो है पेज में कन्वर्ट करना है और पेज में कन्वर्ट करने के बाद आपका कितना फॉलोवर्स रहने के बाद जो है आपका स्टार्स का ऑप्शन जो है वो इनेबल होगा, क्या प्रोसेस है, तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, तो मैं जो है यहाँ पे मोबाइल का स्क्रीन जो है लगा दिया हूँ और वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों वहाँ से जो है फेसबुक के एप्लीकेशन को मोबाइल में ओपन करते हैं। तो मैं सिंपली जो है मोबाइल में जो है अपने फेसबुक के एप्लीकेशन को जो है ओपन करता हूँ,
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम लिखा हुआ है और बायो लिखा हुआ है, जो कि नॉर्मल पर्सन जो है बायो अपने फेसबुक प्रोफाइल में जो वो लगाते हैं वो सारा लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप से नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं 1249 फ्रेंड अभी इस प्रोफाइल में करंट में है। तो यही फ्रेंड जो है आपको जो है फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और किस प्रकार से हो तो आगे के प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से चलते हैं। अब और एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एड स्टोरी लिखा हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ पे एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो हमें एड स्टोरी में नहीं जाना है, ना ही हमें एडिट प्रोफाइल में जाना है, हमें जाना है थ्री डॉट में। तो वहाँ बगल में थ्री डॉट दिख रहा होगा, वहाँ पे जाना है। तो सिंपली मैं जो वहाँ पे जाता हूँ, और वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको प्रोफाइल का सेटिंग्स आपको दिख जाएगा, यानी आप अपने प्रोफाइल में जो भी सेटिंग्स करना चाह रहे हैं तो वो पेज आपको नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे सबसे नीचे में ऑप्शन दिख रहा होगा टर्न ऑन प्रोफेशन मोड, तो आपको यही वाले ऑप्शन पे जाना है। तो मैं सिंपली जो है इस वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, तो टर्न ऑन प्रोफेशन मोड, तो यहाँ पे टर्न ऑन प्रोफेशन मोड का जो है इंटरफेस खुल चुका है। तो टर्न ऑन प्रोफेशन मोड को मैं यहाँ से जो है ऑन करता हूँ। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ सेकेंड का आपको टाइम लेगा, उसके बाद जो है ये प्रोफाइल आपका पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से मैं वापस आता हूँ, और वापस आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ था, बायो लिखा हुआ था, यहाँ पे आपको आप फॉलोवर्स दिख रहा है, और फॉलोवर्स के बाद जो है जस्ट बगल में फॉलोइंग दिख रहा है, यानी आपका फॉलोवर्स कितना है, यानी वही फ्रेंड आपका फॉलोवर्स बन गया, और आपका फॉलोइंग में आप कितना मतलब कितने लोगों को आप फॉलोइंग में रखें वो भी आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम अपने प्रोफाइल को जो है पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हमें स्टार्स का ऑप्शन जो है किस प्रकार से मिलेगा, तो स्टार्स का ऑप्शन जो है आपको दोस्तों अगर आपके प्रोफाइल में जो है 1K फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप अपने प्रोफाइल में जो है स्टार्स के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो स्टार्स के ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है, आपको यहाँ पे व्यू टूल्स में जाना है। तो व्यू टूल्स में जैसे ही आप चाहिएगा तो आपको यहाँ पे स्टार्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्स का ऑप्शन जो है आपको दिख जाएगा। तो स्टार्स के ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे ही स्टार्स के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुलेगा, अर्न मनी विद स्टार्स। तो यहाँ पे गेट स्टार्ट में जाना है, और गेट स्टार्ट में जैसे ही जाइएगा तो आपको यहाँ पे जो है इंडिविजुअल मांगेगा, तो इंडिविजुअल में क्लिक कर देना है। आपको सेटअप्स कुछ पूरा करने के लिए आएगा, तो उस सेटअप्स को भी आपको पूरा कर देना है, जैसे यहाँ पे नाम वगैरह सारा कुछ डिटेल्स। तो मैं यहाँ से सारा कुछ भर के रखा था, और मैं सिर्फ बताने के लिए ही टर्न ऑन प्रोफेशन मोड को जो है ऑन किया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ही भर चुका था, तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं फर्स्ट लीगल नेम और लास्ट नेम, उसके बाद जो है आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए ये डेट ऑफ बर्थ दिया हूँ, तो ये डेट ऑफ बर्थ मेरा नहीं है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं आपको कंट्री का भी ऑप्शन है, तो कंट्री का भी ऑप्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ और इसके बाद जो है आप यहाँ पे जो नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा, तो ये सारा मेरा भरा हुआ है, तो नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जैसे क्लिक कीजिएगा फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेट अप पे अकाउंट, यानी आपको अकाउंट नंबर वगैरह, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वगैरह सारा कुछ भरना है। तो यहाँ पे सारा आप पहले ही मैं बता दिया था कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम भर दिया हूँ, और डेट ऑफ बर्थ भी भर दिया हूँ, और उसके बाद जो है कंट्री भी भर दिया हूँ। तो आप यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइमरी एड्रेस, तो आपको यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस देना है, और उसके बाद दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे आपको सिटी, उसके बाद यहाँ पे स्टेट दिखेगा, और यहाँ पे आपको पिन कोड दिखेगा, और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर दिखेगा। तो ये सारा आपको फिल कर लेना है, यानी आपका जो जो है वो सारा कुछ आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी आपको यहाँ पे पेन नंबर मांग रहा है, तो पेन नंबर को आपको यहाँ पे भरना है, यानी आपके पास पैन कार्ड है तो आप पेन नंबर भर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो दूसरे का भी पैन कार्ड आप दे करके पेन नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पेन नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेट, वेट यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के पास जीएसटी नंबर नहीं होगा, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन है आप, अभी आप बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया, तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर नहीं होगा, यानी तो उसमें आप ये जो ऑप्शनल है इसे भर भी सकते हैं, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको यहाँ पे ऑप्शनल में दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ये सारा कुछ भर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, और नेक्स्ट का ऑप्शन जैसे ही दिखेगा तो यहाँ से आपको फिर अकाउंट नंबर जो है आपको डालने का ऑप्शन आएगा, आपका ऑप्शन आएगा, और उसके बाद आपको स्विफ्ट कोड डालने का ऑप्शन आएगा, यानी स्विफ्ट कोड ये एक ऐसा कोड है, जैसे कि मान लीजिए आपका अदर कंट्री से आपको अगर पैसा आता है तो उसके लिए आपको IFC कोड नहीं चाहिए,
यानी स्विफ्ट कोड चाहिए। तो स्विफ्ट कोड जो है आपको जिस भी बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए तो वो स्विफ्ट कोड जो है आपको गूगल में सर्च कीजिएगा जो भी अकाउंट बैंक का, तो वो जो स्विफ्ट कोड आपको वहाँ से मिल जाएगा। और वहाँ से मिल जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिल करना है, तो फिल जैसे ही कीजिएगा तो ये सारा आपका प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस आपका जो कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपके जो है रील्स वीडियो में जो है आपको स्टार्स का ऑप्शन दिखेगा। यानी मान लीजिए आप शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी स्टार्स का ऑप्शन दिखेगा, या तो आप लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको स्टार्स का ऑप्शन दिखेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं मेरे जो अपना प्रोफाइल है उसमें जो स्टार्स का ऑप्शन मिल गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों स्टार्स के ऑप्शन से आपको जो है कुछ अर्न होगा, यानी अब हम जो है फेसबुक में फ़ोटो डाल करके भी या वीडियो डाल कर भी या शॉर्ट्स कोई भी वीडियो डाल करके भी हम अर्न कर सकते हैं। तो ये फेसबुक जो है काफ़ी अच्छा नया अपडेट लाया है, तो ये अपडेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और मैं जो है मेरा जो है ये क्राइटेरिया जो है 1000 फॉलोअर्स का जो है क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, तो मैं जो है अपने फेसबुक के प्रोफाइल को जो मैं अपने पेज में कन्वर्ट कर चुका हूँ और मुझे जो है स्टार्स का ऑप्शन भी मिल चुका है। तो ये काफ़ी फेसबुक की तरफ से अच्छा अपडेट है। अगर आपके पास अगर 1000 फॉलोअर्स हो चुका है तो आप जो है अपने फेसबुक प्रोफाइल को जो है पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्न ऑन प्रोफेशन मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और टर्न ऑन प्रोफेशन मोड में कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो काफ़ी चीज़ बेनिफिट होने वाला है, यानी आपके पेज में जो है जो भी विजिट करेंगे वो जो है आपका रीच का ऑप्शन दिख जाएगा और आपका कितना जो पेज में एंगेजमेंट बन रहा है वो भी सारा कुछ दिख जाएगा। तो टर्न ऑन प्रोफेशन मोड जो है काफ़ी अच्छा अपडेट है, उससे आप जो है कोई भी वीडियो डालिएगा, कोई भी शॉर्ट वीडियो डालिएगा तो वो जो आपका एंगेजमेंट बनेगा वो सारा कुछ आपको वहाँ पे दिख जाएगा, यानी लास्ट 28 का सारा कुछ दिख जाएगा। यानी सेम टू सेम यूट्यूब का ही इसमें ये मतलब अपडेट है, तो ये अपडेट काफ़ी अच्छा अपडेट है। अगर आप अगर अर्न करना चाहते हैं तो या स्टार्स में जो है करना चाह रहे हैं, स्टार्स कमाना चाह रहे हैं, तो आप जो है इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो ये अपडेट जो है फेसबुक की तरफ से काफ़ी अच्छा अपडेट है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।